तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पेपर आपको पता है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है उसी का क्वेश्चन पेपर है और 2013 का है। इसी का रीजनिंग पार्ट का ये दूसरा वीडियो आपके सामने है, तो पूरा हमारे साथ बने रहना लास्ट तक। कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, चौथी बार देखते देखते आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको 100% मार्क्स इस पोर्शन में दिलाना जो रीजनिंग और मैथ्स वाले हैं। बाकी के पेपर में भी आपको अच्छा स्कोर कराएंगे हम। तो कॉपी पेन संभाली और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन दिया है, कभी दिया है आपको, फिर दिया है सुई और सुई का साथ पूछा है क्या आएगा। तो पेन और कभी में जो संबंध है वो किसका सुई के साथ संबंध है। देखिए, पेन किसके हाथ में होता है, कभी सुई किसके हाथ में होती है, दर्जी के हाथ में होती है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी, दर्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी ए टू जेड सारे सवाल आपको कराएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसमें आकृति दी हुई है। बेसिकली ये नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ आकृतियाँ दी होती हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, पहली आकृति में हमने देखा कि यहाँ पे चार त्रिभुज बने हुए हैं। अगली आकृति में क्या हो गया, तीन चतुर्भुज बने हुए हैं, यानी कि तीन भुजाओं से चार भुजाओं वाली आकृति बनी। चार भुजाओं से अगली में देख रहे हैं पांच भुजाओं वाली आकृति बन गई। तो उससे आगे क्या होना चाहिए, छह भुजाओं वाली आकृति यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आनी चाहिए। हमारे पास कोई आकृति है क्या, उत्तर फिगर में देखो, उत्तर आकृति में कोई ऐसी आकृति जो छह फिगर वाली हो। जी हाँ, ये वाली है छह फिगर वाली। ठीक है, तो इसके चांस बहुत ज्यादा हैं कि ये ही हमारा आंसर होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ चार त्रिभुज हैं, यहाँ पे तीन हो गए हैं, चतुर्भुज हो गए, लेकिन ये क्या, ये पंचभुज हो गया, एक भुजा और बढ़ गई। तो अगली बार छह भुजाओं वाला आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कितने आने चाहिए, चार से तीन आकृति हुई, तीन से दो आकृति हुई, दो से एक आकृति। जी हाँ, तो फिर यही हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा, ये सवाल थोड़ा घुमा करके पूछा, काफी डेप्थ में जाकर पूछा है। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेमेल खोजें। बेमेल पता करना है हमारे पास, क्या क्या बेमेल है। तो देखिए, ये तीन जो है, मोजार्ट, ये भी एक म्यूजिशियन है जो वायलिन बजाता था। बाक भी म्यूजिक से संबंधित एक ग्रुप है रसिया का, रूस का। और बीथोवेन भी म्यूजिक से ही संबंधित एक व्यक्ति हैं। तो तीन लोग जो है म्यूजिक से संबंधित हैं, लेकिन सोक्रेट्स, सुकरात का नाम आपने सुना है। सुकरात एक दार्शनिक थे यूनान के, जिन्हें जहर देकर के मार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धर्म का कट्टरपंथ था और कट्टरपंथ सुकरात को पसंद नहीं करते थे, कट्टरपंथी लोग, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है। तो सुकरात बहुत सही बात कहता था, तो उसको ये लोग कहते थे कि नास्तिक है, इसको मार दो, तो इसको मार दिया गया था। सुकरात की ये कहानी है। तो सुकरात इन सब में अलग है, इसलिए हमारा आंसर सुकरात ही बनेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह देखते हुए कि बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, बी की बेटी ई है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। देखिए कौन सी रिलेशनशिप है और कैसे बनेगी, हमें खोजनी पड़ेगी थोड़ी रिलेशनशिप इन स्टेटमेंट के बेस पे। तो हम उन स्टेटमेंट के बेस पर रिलेशनशिप खोज लेते हैं, उसके बाद सवाल का आंसर आएगा। पहला कहता है बी की माँ ए है, तो बी की माँ है ना ए, तो ए कौन हो गई, औरत या आदमी, औरत, फीमेल, तो हमने इसको लिख दिया फीमेल। ये कौन है, ये माँ है, माँ भी लिख दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये बी की माँ है, बी कौन हो गया, बी बेटा या बेटी कोई होगा, अभी कह नहीं सकते कौन है बी। ठीक है, अब क्या कहता है, ये ए का बेटा सी है, ए का एक बेटा भी है, इसके अलावा बी के अलावा, बी का तो पता नहीं बेटा है बेटी, जो सी है। ठीक है, तो सी तो बेटा है, तो बेटा कौन होता है, मेल होता है। सी बेटा है तो सी मेल हो गया, यही इन दोनों की माँ। अब बी का पता नहीं चला कि बी क्या है, बेटा है या बेटी, यानी कि उसका जेंडर पता नहीं चला। तीसरा सेंटेंस कहता है ई का डी भाई है, ई और डी भी सीन में आ गए हैं, ई का डी भाई है, तो
डी तो भाई हो गया, तो डी का जेंडर कंफर्म हो गया, डी कौन हो गया, मेल हो गया, ठीक है, और भाई है, तो ऊपर हम भाई लिख देते हैं, नीचे मेल लिख दिया हमने इसके। ई का भी पता नहीं चला, बी की बेटी ई है, अगले सेंटेंस में ई का पता चल गया कि ई एक औरत है, ई कौन है, फीमेल है, किसकी बेटी है ये, बी की बेटी है, बेटी है, ठीक है, किसकी बेटी है, इसकी, बी की, ठीक है, तो अभी ये बदल गया, ये फीमेल है, अभी और क्या रह गया, बी की माँ ए है और बी के दो बच्चे हैं ई और डी, ठीक है, ये इन दोनों की माँ है, सॉरी माँ का कंफर्म नहीं हुआ कि ये दोनों की माँ है या कौन है, बी का ये जेंडर कंफर्म नहीं है कि बेटा है या बेटी है, ठीक है, बट ये बेटा है बेटी जो भी है, इसके दो बच्चे हैं बी के और बी की माँ ए है, तो ए या तो दादी है इन दोनों बच्चों की, ई की और एफ की, सॉरी ई की और डी की, ये दादी होगी या नानी होगी, अगर ये बेटा है तो ये दादी है, अगर ये बेटी है तो ये नानी है, ये तय हो गया, हमसे पूछा क्या है, तो बताइए डी की दादी या नानी कौन है, ई डी डी ये भाई है, इसकी दादी या नानी ए है, ठीक है, तो ऐसे करके लिख लेना आप थोड़ा सा, तो ये रिलेशनशिप समझ में आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ ए के लिए, ये हमारा आंसर हो गया पहला वाला, ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं, विक्ट्री को, आपकी स्क्रीन पे आ गया सवाल, विक्ट्री को उसने लिखा वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी के रूप में, कूटबद्ध किया गया है, तो सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिंगर्स पे अपनी इनको एक काउंटिंग करनी पड़ेगी, जैसे वी की पोजीशन क्या होती है, ए की पोजीशन क्या होती है, ए शुरू अल्फाबेट में शुरू में आता है तो इसकी पोजीशन होती है 1, वी की पोजीशन क्या होती है ऐसी पता करनी पड़ेगी, बी की पोजीशन होती है 22, काउंट कर लो 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, कितना हो गया, 12 और 8, 12 और 9, सॉरी TUV 22 होनी चाहिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, वी यहाँ पे आया तो 22वीं पोजीशन हो गई वी की, ऐसी आई की कुछ पोजीशन होती है, आई की 9th पोजीशन होती है, सी की 3 होती है, आप जानते हो, अगर कहीं पे धोखा लगता है आपको तो ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, फिंगर टिप्स पे आप इसको काउंट करके देख लेना, टी की पोजीशन 20वीं होती है, ओ की पोजीशन होती है हमारी 15वीं, आर की पोजीशन होती है हमारी 18वीं और वाई की पोजीशन होती है 25, हम यहाँ लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा, देखिए विक्ट्री को हम कुछ इस ढंग से लिखेंगे, VICTORY, ठीक है, वी को हमने दी 20वीं पोजीशन, आई को हमने दी 9वीं, सी को दी 3, टी को दी 20, ओ को दी 15, आर को दी 18 और वाई को दी 25, ठीक है, अब इसने क्या लिख दिया, इसको विक्ट्री को इसने लिख दिया है वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू और उसके बाद बी, इसका मतलब वाई की पोजीशन क्या है 25, ठीक है, सॉरी बी की तो 22 थी ना, 22 25, उसके बाद आई के बाद एल लिख दिया, एल की पोजीशन होती है 12, उसके बाद सी की पोजीशन थी 3, 3 से चल के कहाँ पहुँच गया 6 पे, डब्ल्यू क्या होती है, डब्ल्यू की होती है 23, आर की होती है 18 और यू की कितनी होती है, टी यू 21वीं होती है इसकी पोजीशन 21, और बी बी की पोजीशन क्या होती है 2, ठीक है, तो ऐसे पोजीशन बदली, 22 से बदली 25 में, मतलब 3 प्लस कर दिया इसने, 9 से 12 आ गई तो ये भी 3 प्लस कर दिया इसने, यहाँ पे ये देखिए 3 से 6 आ गई, यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, ये आ गया इसमें 20 से 23 3 प्लस, 15 से 18 3 प्लस, 18 से 21 3 प्लस, और ये 25 से 2 यहाँ पे भी 3 प्लस हो गई, तो फिर 26वां लेटर होता है हमारा जेड, उसके बाद हो गया ए, उसके बाद हो गया बी, तो यहाँ 3 प्लस करने के बाद ये बी पे पहुंच गया, मतलब हर एक की पोजीशन में 3 प्लस करने के बाद जो पोजीशन बनती है वही हमने अल्फाबेट यहाँ पे लिख देना है, तो अब हमें आंसर किसका निकालना है, आंसर हमें निकालना सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा, सक्सेस SUCCESS,
डबल एस। एस की पोजीशन क्या होती है? ST 19 होती है एस की पोजीशन, ठीक है। यू की पोजीशन क्या होती है? TU 21 होती है। सी की होती है 3, फिर सी की 3, ई की होती है 5, एस की फिर से 19, और यहाँ पे भी 19। आप 19 में 3 प्लस करोगे क्या आ जाएगी? 22। 22 पे कौन आता है? वी। यू के बाद 3 प्लस करोगे 21 में, 24। 24 में डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स। सी के बाद 3 प्लस 3, 6, एफ आ जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस करोगे क्या आएगा? फिर से एफ आ जाएगा। हमने लिखा नहीं है, 3 प्लस करके आप ऐसे लिख लेना प्लीज, यहाँ भी छोड़िए। 5 के बाद 3 प्लस करेंगे, 8 ही पोजिशन पे कौन आता है? 8 ही पोजिशन पे आता है एच। एस के बाद क्या आएगा 3 प्लस करने का? 22 ही पोजिशन पे वी, और फिर से 22 ही पोजिशन पे वी। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? वी एक्स एफ एफ एच वी वी, ठीक है। आप मैच करेंगे तो कौन सा आंसर बन जाएगा हमारा? जस्ट मोमेंट, ये बन जाएगा जी ऑप्शन बी में आपका वी एक्स एफ एफ एच वी वी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन गया। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा घुमाएगा आपको, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और हिम्मत मत हारना। हिम्मत लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक हमने आपको बता दी, हिम्मत लाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी रीजनिंग का है हमारा, पूरा वीडियो रीजनिंग का ही है ये वाला। यदि P इज इक्वल टू 6, Z, J इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 8 और M इज इक्वल टू 24 है, तो कौन सा नंबर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा? हमें सवाल दिया हुआ है, उसने सवाल क्या दिया हुआ है? सवाल दिया है एम जे, हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, एम इंटू जे, एम गुणा जे डिवाइडेड बाय L प्लस जे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लिख देते हैं, पी तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, चलिए कोई बात नहीं। एम की लिए क्या दिया हुआ है? एम के लिए 24 दिया हुआ, हमने 24 लिख दिया। गुणा जे की जगह क्या दिया हुआ? 4, हमने 4 लिख दिया। भाग की जगह हमने भाग का निशान लगाया फिलहाल। एल की जगह दिया हुआ 8, तो हमने 8 लिख दिया। फिलहाल जे की जगह 4 दिया हुआ, तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉडवास एक नियम होता है मैथमेटिक्स का, उसके हिसाब से सबसे पहले हम भाग के निशान को हटाते हैं, उसके बाद गुणा के निशान को हटाते हैं, उसके बाद प्लस और फिर माइनस के निशान को हटाते हैं। तो हम वैसा ही करेंगे, सबसे पहले हम भाग के निशान को हटाएंगे। यहाँ पे ये 24 ऐसे लिखा रहने हैं, गुणा के निशान को ऐसे लिखा रहने हैं, भाग के निशान को गुणा में बदल देते हैं और उसके बाद वाले आने नंबर को पलट देते हैं। तो 8 के बदले 1/8 कर दिया, प्लस को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगले बार क्या करेंगे हम, अब गुणा को निपटाएंगे। भाग को तो निपटा दिया हमने, गुणा को निपटा दिया। 24 × 8 = 96, ठीक है। और ये क्या है? 1/8, तो इससे ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है। +4 ऐसे लिखा रहने देंगे, +4 को भी हमने छेड़ा नहीं, हम सिर्फ आपको तरीका समझा रहे हैं कि क्या तरीका होगा इसको करने का सवाल को, ठीक है जी। तो यहाँ 12 बचा, यहाँ 4 बचा, 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। तो आपका आंसर कितना हो गया? 16, फटाफट आंसर आएगा आपका, ठीक है। बस ये नियम आप मत भूलना कि पहले भाग को निपटाना है और कैसे निपटाना है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन बना बी। तो ये था हमारा रीजनिंग का एक और वीडियो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में इस प्रॉमिस के साथ कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल पेपर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ 100%। आप थोड़ी सी मेहनत करिए स्मार्ट ढंग से और हमारे सारे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।